What's up everyone, my name is Rahul और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Lightroom को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने फील के हिसाब से। तो सबसे पहले वॉच द इंट्रो। वेलकम बैक। तो हम इस वीडियो में जैसा मैंने बताया बात करने वाले हैं कस्टमाइजेशन की, हम अपने लाइटरूम को अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अपना आइडेंटिटी प्लेट हम चेंज करेंगे, इसमें हम अपने डिफरेंट व्यूज चेंज करेंगे और हम नया वाटरमार्क लगाएंगे अपनी इमेज पे और कुछ डिफरेंट सेटिंग्स भी हम लोग चेंज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पैनल को रिसाइजिंग करके। आप लेफ्ट साइड वाले पैनल को माउस से रिसाइज कर सकते हो। इसको तब तक एक्सपेंड करो जब तक ये 6:4 प्रीव्यू में पूरी तरीके से ना फिट हो जाए, ठीक है। अब आप नीचे के जो प्रीसेट वाला पार्ट है उसमें आप किसी भी अपने प्रीसेट के ऊपर माउस ओवर करोगे तो ये रिफ्लेक्ट होके आपको इस नेविगेशन विंडो में दिखाई देगा। तो आप इजीली यहाँ पे उसको जज कर सकते हो कि मुझे अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब जो नीचे फिल्म स्ट्रिप है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो लाइक दिस, तो आपको उसमें इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट कौन सी इमेज पे काम करना है। तो ये आप देख रहे हो, इसको टूल बार कहते हैं। लाइब्रेरी मॉड्यूल में भी ये टूल बार है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। लाइक अगर हम टी प्रेस करेंगे तो इट विल रिमूव, और हम फिर से टी प्रेस करेंगे तो ये फिर से विजिबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम डिफरेंट पैनल को कैसे टॉगल कर सकते हैं। ऑल्दो मैं अपने पुराने वीडियो में इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, चलो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर हम F5 को प्रेस करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी प्लेट गायब हो जाती है, राइट। और हम अगर F6 को प्रेस करते हैं तो हमारी फिल्म स्ट्रिप गायब हो जाती है। F7 को प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड पैनल गायब हो जाएगा, और आप F8 को प्रेस करोगे तो राइट हैंड साइड पैनल गायब हो जाएगा, और अगर आप टैब को प्रेस करोगे तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के दोनों पैनल्स गायब हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम शिफ्ट और टैब प्रेस करते हैं तो हमारे सारे पैनल्स वापस आ जाते हैं, और आप फिर से टैब शिफ्ट और टैब प्रेस करोगे तो सारे पैनल एक साथ गायब हो जाते हैं। हमने कोई पर्टिकुलर इमेज सेलेक्ट की हुई हो और उसके बाद हम F प्रेस करते हैं तो इमेज हमारी फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो जाती है। तो इससे आप इमेज का प्रीव्यू ले सकते हो आराम से। अभी हम वापस सारे अपने पैनल्स पर आ जाते हैं, शिफ्ट टैब करेंगे तो हमारे सारे पैनल्स वापस आ जाते हैं। अगर हम L प्रेस करते हैं तो ये लाइट आउट मोड होता है, तो आप देखोगे कि जो साइड के पैनल्स हैं वो सारे हल्के डिम हो जाते हैं। आप एक बार फिर से L प्रेस करोगे तो ये कम्प्लीटली ब्लैक आउट हो जाता है। इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब हमें क्लाइंट को इमेज दिखानी होती है, तो इसमें हमारे बाकी सारे ऑप्शंस काम करते हैं। अगर मैं F5 प्रेस करूँगा तो मेरी आइडेंटिटी प्लेट हट जाती है, मैं F6 प्रेस करूँगा तो मेरी फिल्म स्ट्रिप हट जाती है, मैं F7 प्रेस करूँगा तो लेफ्ट साइड वाला पैनल हट जाता है, F8 प्रेस करने से राइट हैंड वाला पैनल हट जाता है। तो अभी ये मेरा फुल स्क्रीन में विद डिम लाइट मोड में ओपन है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे बाकी सारे कंट्रोल्स नहीं दिखते हैं और डार्क बैकग्राउंड हो जाती है, तो वो इमेज आइसोलेट हो जाती है और अच्छी लगती है। और अगर आप फिर से L प्रेस करोगे जो हमारा डिफॉल्ट मोड था उस मोड में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट व्यूज़ की। अगर हम E प्रेस करते हैं तो ये होता है हमारा लूप व्यू। अगर हम G प्रेस करते हैं तो ये होता है हमारा ग्रिड व्यू। हम अगर C प्रेस करते हैं तो ये कंपेयर व्यू होता है। इसमें आप दो इमेज को कंपेयर कर सकते हो। कलिन करते हुए इसका यूज हम यूजुअली करते हैं जब सेम फ्रेम में दो या ज़्यादा इमेजेस होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज़ ये और ये इमेज मैं ले लेता हूँ, और मैं शिफ्ट टैब अगर मैं दबा देता हूँ बाकी सारे पैनल्स मेरे हट जाते हैं। अब मुझे इसमें से कौन सी इमेज रखनी है तो मैं इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इस इमेज को जूम करके उसको कंपेयर कर सकता हूँ आराम से। और अगर एन प्रेस करोगे तो सर्वे मोड ओपन हो जाता है। इसमें आप मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हो और उसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आप सेकेंडरी मॉनिटर यूज करते हो तो F11 प्रेस करके आपका प्रीव्यू सेकेंडरी मॉनिटर भी जा सकता है। करेंटली आई एम नॉट यूजिंग एनी सेकेंडरी मॉनिटर फॉर दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं है तो आप हेल्प में जाओ, लाइब्रेरी मॉड्यूल शॉर्टकट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मॉड्यूल के सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे।
सेम वे अगर आप डेवलप मॉड्यूल के शॉर्टकट्स देखना चाहते हो तो डेवलप मॉड्यूल में जाओ, हेल्प में जाओगे और डेवलप मॉड्यूल शॉर्टकट्स करोगे तो आपको डेवलप मॉड्यूल के शॉर्टकट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं लूप व्यू में हम कैसे इमेज से रिलेटेड रिक्वायर्ड डेटा चेक करते हैं। तो आप पहले ई प्रेस करो तो हम लूप व्यू में आ गए। अब हम आई प्रेस करेंगे तो आपको इमेज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप फिर से आई प्रेस करोगे, सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो उसका दूसरा सेट है वो मिल जाता है। आप फिर से आई प्रेस करोगे तो ये इन्फो गायब हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या इन्फो देखना चाहते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रेस करो कंट्रोल और कमांड जे तो लाइब्रेरी व्यू ऑप्शन पॉप हो जाएगा। इसमें लूप व्यू में इन्फो वन और इन्फो टू सेट कर सकते हैं। तो आप पहले बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपको इमेज रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। आप इसमें क्या सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। तो पर्सनली इसमें आई सेलेक्ट कैमरा और दूसरे कॉम्बो में मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉमन फोटो सेटिंग्स, और जो थर्ड वाला कॉम्बो है उसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ फाइल नेम। तो अब हम जो हमारी इन्फो का सेकंड सेट था उसको चेंज करते हैं। पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ कैप्चर डेट एंड टाइम, तो सेकंड बॉक्स में मैं सेलेक्ट करता हूँ क्रॉप डायमेंशंस, थर्ड सेट में मैं सेलेक्ट करता हूँ मेगापिक्सल्स। तो अब आप यहाँ पर देखोगे मैं इस इमेज पर आई करता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरे किस कैमरे से ये क्लिक हुआ हुआ है और क्या पर्टिकुलर सेटिंग्स यूज की हुई थी। हम फिर से आई प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाता है किस डेट और किस टाइम पर ये हमने इमेज शूट की है और क्या उसका डायमेंशन है और कितने मेगापिक्सल्स की वो इमेज है। तो ये सारी सेटिंग्स आई यूज़ फॉर माई लाइटरूम, आप अपने हिसाब से जिस इन्फॉर्मेशन को आप यूजुअली यूज करते हो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो अब हम ग्रिड व्यू को कस्टमाइज़ करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जी प्रेस कीजिए। ओके, तो अब हम ग्रिड व्यू में आ गए। हम फिर से कंट्रोल और जे प्रेस करते हैं या कमांड और जे प्रेस करते हैं, ग्रिड व्यू ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो मैं इसमें कुछ चेंज मेजरली करता नहीं हूँ, आई जस्ट यूज़ दी कॉम्पैक्ट सेल्स। आप अपने हिसाब से इसमें बाकी सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। सो नाउ अब हम अपनी आइडेंटिटी प्लेट को कस्टमाइज़ करते हैं। हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं इसमें या नाम चेंज कर सकते हैं, हम जो मॉड्यूल्स के नेम हैं उनका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी प्लेट को चेंज करने के लिए हम लाइटरूम में जाएंगे एंड वी विल सेलेक्ट आइडेंटिटी प्लेट सेटअप। यहाँ पर यूजुअली लाइटरूम लिखा हुआ होता है, मैंने ऑलरेडी इसको अपने नाम के साथ रिप्लेस किया हुआ है। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो, आप उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो या आप फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता हो। अगर आपको इस टेक्स्ट की जगह अपना लोगो लगाना है तो आप यूज ए ग्राफिक आइडेंटिटी प्लेट सेलेक्ट करो और लोकेट पर जाके आप अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी यू कैन सी माई लोगो हेयर, और जो राइट हैंड साइड में ये पैनल आ रहे हैं आप इसके भी फॉन्ट और उनका साइज चेंज कर सकते हो। और एक बार जब आपका ये सारे चेंजेस कर लेते हो आप, तो यहाँ इस आइडेंटिटी प्लेट के सेकंड कॉम्बो में जाओगे और यहाँ पे सेव एज करोगे और आप इसको जो भी आप इसका नाम देना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं दे देता हूँ RVP2 आइडेंटिटी प्लेट। ओके, तो ये मेरी सेटिंग सेव हो जाती है। बट यूजुअली मुझे एक अपना नेम वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आई कीप RVP आइडेंटिटी प्लेट। ओके, सो दैट्स इट, यू कैन सी हियर माई नेम एंड जो भी हमने अभी कस्टमाइज किए हैं ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। अगर आपकी आइडेंटिटी प्लेट पर आपका नाम दिखता है, आपका लोगो दिखता है, तो इट गिव यू ए गुड फीलिंग। तो अब हम बात करते हैं पैनल एंड मार्क। तो हम पैनल एंड मार्क को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो ये पैनल के जो लेफ्ट एंड राइट हैंड पैनल के नीचे जो ये एरिया है इसको हम पैनल एंड कहते हैं। तो हम यहाँ पर हम इधर कुछ फ्लोरिश आर्टवर्क लगा सकते हैं और या फिर कोई लोगो लगा सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले प्रेफरेंसेस में जाएंगे एंड फिर हम इंटरफेस में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा एंड मार्क्स, इसमें हम इधर वी कैन सेलेक्ट स्मॉल फ्लोरिश। तो हम ये सेलेक्ट करते ही आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये एक छोटा सा आर्टवर्क दिखता है, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पर अपना लोगो लगाना चाहते हो तो सेलेक्ट इट और गो टू पैनल एंड मार्क फोल्डर। तो लाइटरूम के अंदर पैनल एंड मार्क फोल्डर होता है, यहाँ पर आप जो कुछ भी अपना एक लोगो है या कोई और इमेज आप PNG इमेज आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आप प्लेस कर दो।
ऑलरेडी प्लेस करके रखी हुई थी अपनी दूसरा लोगो। तो अगर आप ये लोगो सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा लोगो ऑलरेडी विजिबल हो गया। ओके, तो अब हम अपना कस्टम वाटर मार्क ऐड करते हैं। तो वाटर मार्क चेंज करने के लिए हम सबसे पहले लाइट रूम में जाएंगे, देन विल गो टू एडिट वाटर मार्क्स। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें भी हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या फिर लोगो ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेज बाई प्रॉफिट। ओके, एंड मैं फिर यहाँ पर फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, उसका साइज चेंज कर सकता हूँ, ओपेसिटी वगैरह दे सकता हूँ, या फिर मैं जो ये ग्राफिक ऑप्शन है उसमें जा सकता हूँ, यहाँ से कोई लोगो सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज किया लाइक दिस, तो ये लोगो मेरा इमेज पर डिस्प्ले हो जाता है। अब इसको मैं लेफ्ट सेंटर राइट कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको ठीक लगता हो, अभी के लिए मैं इसे लेफ्ट में रहने देता हूँ। इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको 60% कर देता हूँ। हम इसका प्रोपोर्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो लेट इट बी। और इसका हॉरिजॉन्टल हम कितना स्पेस रखना चाहते हैं, वर्टिकल में हम कितना डिस्टेंस देना चाहते हैं लोगों को, कर सकते हैं। और उसके बाद आप सेव कर सकते हो और इमेज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसका प्रीसेट बनाया हुआ है RVP वाटरमार्क, जो मैंने ये सेटिंग्स ऑलरेडी डाली हुई। तो आपने देखा कि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं लाइटरूम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।